बहू बहू। हाँ पिताजी। बेटा खाना पीना बन गया? हाँ बना लिया। और ये बता क्या बना लिया आज? मैंने गोभी आलू बनाए थे। तुझे पता है कि मुझे गोभी आलू पसंद नहीं है, फिर भी तूने गोभी आलू बना लिए हैं? अरे वो पिताजी अब कुछ था ही नहीं घर में, तो फिर वही दिखे मैंने वही बना लिया। अरे कुछ नहीं था तो तू दाल मंगा लेती लाला की दुकान से, दाल बना लेती है अरहर की। वैसे तो दाल लपक के खाती है चावलों के समय, अब तुझ पर क्या कहते हैं दाल चावल नहीं बनाए गए। पिताजी दाल मैं कैसे मंगा लेती, कोई था ही नहीं घर पे देवर। अरे कोई नहीं, तू आवाज लगा देती लाला की दुकान पे, इधर से किसी बालक से कह देती बच्चे नहीं घूमते हैं घर में। दुकान पे कोई दिखाई नहीं, घर में भी कोई, गली में भी कोई दिखाई नहीं दिया। ले क्या है? पकड़ तो सही, तेरे लिए सिंगार का सामान है। मेरे लिए? और क्या, और मैं लगाऊंगा लिपस्टिक बिंदी। मेरे लिए क्यों लाया पिताजी? अरे बस ऐसे ही ले आया, मैंने सोचा बहू किससे कहेगी किससे नहीं कहेगी, आदमी रहता नहीं है यार। अब भाई अगर मैं नहीं देखभाल करूंगा तो कौन देखभाल करेगा? अच्छा हाँ, लेकिन पिताजी मैंने तो तुमसे कहा नहीं था। अरे तो कहने की क्या जरूरत है, मैं भी मन की औरतों की मन की बात की थोड़ी थोड़ी समझता हूँ भाई, पत्नी तो मेरी भी थी। अब देख तू मुझे ससुर मत माना कर, फिर कुछ नहीं तू बस अपना माना कर। तुम लेके कहाँ से आए थे ना? अरे वो ऐसा था, मैं गया था अलीगढ़ बीज लेने खेत के लिए। अच्छा। अब खेत के लिए मैं निकल के जा रही, मेरी बस निमाज ग्राउंड पे हो गए। अब निमाज ग्राउंड पे हो गए निकल जाए तो झूले चल रहे बड़ी जोर जोर के, ना बाला घूमने वाला सर्कस पता नहीं क्या गया था लल्ली। मैं तो रुक उतर गया तुरंत की संग। अब मैं जैसे उतरा तो मैंने सोची ला देख ही लूं, एक आध का कुछ खा ही लूं। तो मैंने 10 रुपए के तो बरूले खाए। बरूले जानती है? हाँ जानती हूँ। बरूले खाए, एक खाई वो क्या बोलते पॉपटी, सॉफ्टी। हाँ सॉफ्टी वो खाई, सॉफ्टी खाई, भेलपूरी खाई, 10-10 रुपए 3 सामान खाए। फिर मैं चलते चलते एक वो क्या कहे इंग्लिश में अंग्रेजी में बोलते पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न फूला खाए। फूला खाने के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ा तो मुझे लेडीजों का बाजार मिल गया, जहाँ पे सिंगार का सामान बिक रहा है, लिपस्टिक बिंदी 5 रुपये 10 रुपये हर माल, 20 रुपये हर माल, हार हारी वहाँ सब बिक रहा था। मैंने एक एक सामान सब ले लिया। अच्छा 800 रुपये का सामान है इसमें, 100 रुपये का सामान है इसमें। अच्छा ये लो। क्या करूं? निमाज देखे आना, बरूला खाया ना, सारी चीज खाया ना, इसे वापस कर आना दोबारा जाके, मुझे नहीं चाहिए, मेरा आदमी आ जाएगा दिलवा लाएगा। अच्छा सुन मेरी बात सुन, प्यार भरी बात में इतनी नाराजगी की बात क्यों करती? और देख तू बहू जरूर है, मैंने तुझे कभी बहू नहीं माना, मैंने तुझे हमेशा अपना माना। तू मैं तेरा ख्याल रखता तो थोड़ा तू मेरा भी रखा कर। पिताजी क्या कर रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। शर्म? मैं बहू हूँ तुम्हारी, थोड़ेगी तुम्हारी बेटी जैसी हूँ, पता थोड़ी हो रही है। तुम्हें शर्म नहीं है? शर्म आनी चाहिए, हमारे घर में ही ना छोड़ रहे हो। जब भी मुझे लग रहा है सासू मां तुम्हारे कर्म देख देख के मर गई ना, वो तो मुझे देख के ये समझ लो उसे इतना प्यार हो गया कि वो नहीं समझ लिया अपने आप ही मर गई, मैं बर्दाश्त नहीं हुआ उस पे। ऐसा है मुझसे ऐसी फालतू बकवास मत करो, ठीक है ना? बकवास करूं फिर? ये पकड़ो अपना थैला और आज के बाद अगर मुझसे ऐसी बात करी ना तो तुम्हारे बेटे से सारी शिकायत कर दूंगी मैं, ठीक है ना? हाँ पिताजी हो पिताजी बन के रहो। शर्म ना आ रही बहू पे गंदी नजर? देख ले पैसे वैसे भी मिल जाएंगे, 10-20 हजार की जरूरत पड़ेगी तुरंत मिलेंगे। हाँ और देख मुझसे बना कर रहेगी तो सुख में रहेगी, नहीं तो दुख के अलावा तुझे कुछ नहीं मिलेगा इस घर में। अरे मुखिया जी राम राम। राम 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 राम। और ठीक हो? बहुत दिनों बाद आए। अरे बस क्या करें, चिट्ठियां आई नहीं रही हैं इस गांव की। तो मैं भी लग गया चश्मा, क्या करें लगाना पड़ता है। बुढ़ापा है भाई, अब तुम्हारी हड्डियां वैसे कीर्तन कर रही है, मरने वाले तो तुम हो कुछ दिन के बाद। कैसी बातें करते हैं आप अशुभ अशुभ अशुभ। नहीं सही कह रहा हूँ, वैसे क्या है? अरे चिट्ठी आई थी। किसकी? मैं बता रहा हूँ। बताओ। ऐसा है एक चिट्ठी है, मनी ऑर्डर। मनी ऑर्डर है? चिट्ठी काय को बता रहे हो? हाँ तो भाई लिखा तो होता है। मैं बताता हूँ तुम्हें, शांति देवी। हाँ पति का नाम क्या है? पति का नाम है भुल्लन। भुल्लन? और भुल्लन सनोप घुंगरू प्रसाद। वो हम है घुंगरू प्रसाद। तुम हो घुंगरू प्रसाद? और कौन है? हम घुंगरू प्रसाद, मुखिया ही तो नाम है हमारा। क्या कर गया धोती क्यों देख रहे हो? अंदर से एंटीना दिखेगा फिर। मेरा इनका घुंगरू प्रसाद घुंगरू पहनते हो। अरे बेकार की बात क्यों कर रहे हो, डाकिया डाकिया की तरह रहो। मतलब कि आदमी का नाम क्या कहते हैं, अगर भैंसा रख दिया तो वो भैंसा है? नहीं आदमी का नाम अगर घंटोली रख दिया तो उसके घंटी बन रही है? नहीं आदमी का नाम बेवकूफ रख दिया तो तुम्हारी तरह थोड़ी हो जाएगा वो।
चुप करो, कैसी बातें करते हैं। अरे भाई हमारा मतलब था कि हमने पहली बार ऐसा नाम सुना है कि भाई घुंघरू प्रसाद। हमारे पिताजी बड़े बहुत पुराने मुजरा देखते थे। अच्छा, फोटो पे आ जाके माँ पे घुंघरू बांध के नाचती हैं। वो यो हिलाते होंगे तुम्हारे पिताजी घुंघरू घुंघरू हाथों में। अब बकवास मत करो, ज्यादा हंसी मत उड़ा हमारे पिताजी की। अच्छा ये बताओ, लाओ मनी ऑर्डर दो। मनी ऑर्डर? हाँ देखो, जिसके नाम पे जो मनी ऑर्डर आया है उसको मिलेगा। तो हम भी तो उसके बाप है। अरे उसके ही तो बाप है भाई। जो आपका लड़का बाहर काम कर रहा है उस लड़के ने अपनी बीवी तो उससे ये कहो ना मेरे नाम पे भेजे वो। दोबारा जाओ वापस, दोबारा लिखवा के लाओ उसे। दस्तखत तो उसकी बीवी के होंगे। नहीं नहीं, ऐसा है, सुनो मेरी बात। अब इसमें से शांति देवी का नाम कटवा के मेरा नाम लिखवा के लाओ, वो मनी ऑर्डर मुझे मिलेगा, क्योंकि लौटना मेरा है भाई। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। देखिए मुखिया जी, ये तो आपकी फालतू बात है भाई। मेरे तुम मनी ऑर्डर नहीं दे पाओगे। समय आप जाया कर रहे हैं हमारा। समय जाया नहीं कर रहा, मनी ऑर्डर नहीं दे पाओगे तुम। क्यों नहीं? तुम्हारा नाम क्या है वैसे? मेरा नाम है शिवचरण। शिवचरण? हाँ शिवचरण डाकिया। शिवचरण डाकिया? डाकिया। दबाओ जाओ यहाँ से। नहीं क्यों हो जाता? भगवान के नाम पे अपना नाम रखने से कोई भगवान नहीं हो जाता। नहीं तो मतलब भगवान का नाम क्या हो गया इसमें? भगवान का नाम शिव हो गया ना। देखो आप, चरण हम तुम्हारे छू नहीं सकते। डाकिया तुम अपने व्यवहार से हो तो निकल लो यहाँ से। ज्यादा बात मत करिए हम तो। फिर पहले आप अपनी उनसे मिलवाइए, बहू से। किससे? बहू बहू। अरे ऐसे तो मैं क्यों मिलवाऊंगा बहू से? बहू मेरी, बेटे की मेरी। तुम बहू को देख के क्या करोगे जी? नहीं मैं क्या करूंगा, उनसे दस्तखत लूंगा। दस्तखत हम कर देते हैं उसके नाम से। आपके दस्तखत बिल्कुल मान्य नहीं होंगे। मान्य नहीं होंगे तो चलो मेरे संग। अरे रुक तो यार, पहले बात तो सुन लो पूरी। चलो चलो तुम्हें ले जाऊँ, बड़े जीव के लप लप हो तुम। अब सुनो मेरी बात। कहिए। बहू को बताना तुम 1000 रुपए आए मनी ऑर्डर से, 1000 उसे देना, 4000 मुझे देना। क्यों नहीं? अरे ऐसा कैसे हो जाएगा? ऐसे ही होता है। तुम तो ऐसे मुझे मुजरिम करवा दोगे। मुझे मुजरिम क्यों करवा दोगे? हमारे तुम्हारे बीच रही ये बात? ना 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 ना, चलो तो फिर कोई बात नहीं, आओ तुम। हाँ। मैं छीन लूंगा बहू से, बंद करवा दूंगा। देखो डाकिया साहब, मेरी बात तो सुनो। तुम ऐसा करना, डकार मत मारो, मेरी बात सुनो। एक देखो, मैं तुम्हें 100 रुपए कमीशन दे दूंगा अगर तुम मेरे को दे दो इन पैसों को। तो क्या पगला गए हो क्या तुम? पगला नहीं गया। नहीं देखिए, हम दोगे नहीं मतलब। नहीं तुम कल को हमारे खिलाफ FIR दर्ज करके उसमें ये चीज लिखवा दोगे, कल को कोई बात हो कर गई और तुम्हारे बेटे ने तुम्हारी बीवी को बताया कि मैंने इतने रुपए भेजे और तुमने उसमें से कमीशन खा ली है ना, तो कल को उसने अगर FIR दर्ज की उसमें डाक घर के। अब तुम मुझे बेटा FIR मत बताओ, मैं लबों को बुलाता हूं। बुलाओ ना। अरे बहू, मुझे तो तुम पहले से लग रहे हो कुछ। बहू सो गई दी है। बहू तुम्हारे लिए होगी। छत पे? वैसे छत पे क्या कर रही थी तू? कुछ नहीं, कपड़े सुखाने। अरे मुझे सब पता है, तू छत पे कपड़े सुखाने नहीं जाती। वो बिटोरा के पीछे 4 लड़के रोज वहां पे जाके गुल्ली डंडा खेलते है, तू उन्हें ताड़ती है। कैसी बातें कर? मैं सही कह रहा हूँ। वैसे ये हिसाब में रहे, हमारा वक्त जाया ना करें। तुम्हारा वक्त रुका, अभी अपना वक्त की बात में करना, हम अपनी बहू से बात करें ना करें। आप हमारा वक्त जाया कर रहे हैं। वक्त यहाँ करें, आज के बाद छत पे चढ़ मत जाइयो। अरे अब मैं छत पे भी ना जाऊँ? ना। क्यों? ना, मैं घर नहीं जाऊंगी। ठीक है ठीक है। मनी ऑर्डर आया तेरे पति के नाम से। पति का मतलब तेरे लिए? अच्छा उनका। हाँ साइन करवाओ जी, साइन करवाओ। पुच्ची पुच्ची क्या कर रही हो? साइन करवाओ, क्या खाती हो तुम? और पुच्ची पुच्ची क्या कर रही हो? ऐसा है, 1000 रुपए से दो, 4000 मुझे दो, बराबर साइन कर लाली। ये आपका मनी ऑर्डर आया है जी। आपके पति का नाम बुल्लन है? बुल्लन? बुल्लन है। हाँ बुल्लन, लेकिन प्यार से मैं उनसे प्रेम कहती हूँ। प्रेम? क्या ये तो बताया मुझसे, तो कभी प्यार से कुछ कहा नहीं तूने। अरे मतलब तुम नहीं समझोगे, साइन करवाओ। तुमसे क्या कहूंगी, अबे इनके तो करवाओ। ये आप अपने, लेकिन सुनिए मुझे पूरे पैसे चाहिए। हाथ ले लियो पहले, अब की बार के तो मुझे दे दे तू, अगली बार के मैं तुझे दे दूंगा। ये अपने दस्तखत कर दीजिए, यहां पर करने हैं। इतने कहते हैं पैसे निकालो। अच्छा ये लीजिए। हां लेंगे। ला रुकिए रुकिए, जिनके देंगे दो तीन, अपने में से दे रहे हैं। चार, पांच, ठीक है ये 5। ठीक है ठीक है, अब साइन हो गए। अरे मुझे तो दे, अरे दे रहा हूँ अभी, आप पैसे दीजिए। अरे मैं दे दूंगा तुम्हें, क्या मतलब है? तुमने साइन करवा लिया, तुम्हें साइन मिल गए आदमी के शख्स के, और उससे ज्यादा क्या चाहिए तुम्हें? निकलो यहाँ से, मुंह दबा करो, जाओ तो जाओ। रुकिए। क्या रुके? घुंघरू प्रसाद जी आप ऐसा करिए, पैसे इनको दीजिए। नहीं दूंगा। नहीं मेरी बात समझिए, पता ही नहीं दूंगा। आप 1 लाख तक नहीं दूंगा। साइन तुम्हें मिल गए, तुम अपनी शक्ल दबा करो बस यहाँ से, चलो। क्यों नहीं दोगे?
दूंगा बेटा तुझे, तेरी और हमारे आपस की बात है, तीसरा आदमी क्यों बोल रहा है? ठीक है ना, भेज देने, आप जाइए, जाओ जाइए, ठीक है। अब आपके लिए कोई ये ना हो कि आप FIR करें हमारे डाकघर के लिए, जाओ ठीक है, जाओ जाओ ठीक है, जाओ ठीक है। पैसे दो। किस बात के, किस बात के पैसे दूं पिताजी? किस बात के पैसे? हाँ मेरे पति ने भेजे। अरे तो लल्ली ले लियो पैसे, और देख मैंने पाला पनोसा, इतना बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, बाहर नौकरी पे भेजा, अब सारा हक तो मेरा हुआ ना। मेरे लिए भेजे है ना पैसे, मेरे नाम थोड़ी लिखा है। अरे नाम लिखने से कोई बात, तुझे खर्चे के लिए जरूरत पड़े मुझसे मांग लियो, फिलहाल से मांग मत लगाया अपना जाएगा। अरे मेरे पाले बुड्ढा, अरे राम राम पिताजी। राम 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 राम, इधर का चल दिया। अरे कहीं ना घर जा रहा हो का भाई को, खाना पीना खाने, रोटी तेरी अभी भेज रहा हूँ मैं। अरे ना कछु काम भी है मेरे को। क्या काम करेगा हमें बता, काम हम करेंगे तेरे घर का काम सब रहा। अब वही वाली बात है, जो काम मैं करूँगा तुम थोड़ी ना कर लो। मैं क्यों नहीं कर पाऊंगा, मतलब कि हम बूढ़े हो गए, तुम कुछ काम करने लाग ही ना रहे, तुम यूँ सोच रहा है? तू हमें मत सिखा बेटा, तुझसे पहले नाच हमने खाया है। सुबह से गया हूँ मैं, दोपहर में आया हूँ। हमें मत चला बेटा, देख सुन, ऐसा सुबह से गया दोपहरिया में आया, अब एक काम और करना है तुझे। क्या करना बताओ? भट्टा की भट्टा है ना, भट्टा चरण सिंह भट्टा, उसके खेत में पानी लगना है, जाके खेत में पानी छोड़ दे। मतलब घर में आऊँ मैं ना? क्यों, रोटी मैं पहुंचा रहा हूँ तेरी, मैं खेत पे। तो फिर वो एक काम करे, मटाव ले एक बोतल में, ले आऊंगा ठीक है, ले आऊंगा जा ठीक है। मटा खा खा के घोड़ा हुआ जा रहा है, और हम तो जो करा मटा और चाहिए। मैं कहा जा रहा था मैं और भूल गया था, हाँ पंचायत घर। चलो आ रही हूँ। कान में रुई लगा के टीवी देखती रहती है क्या? ना बताओ, इस एंटीना के कनेक्शन को कटवाना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। डीटीएच देख देख के तेरा दिमाग भी डीटीएच होता जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि सब तुम्हारी कमाई से चल रहा है क्या? अब मेरी बात सुन, देख तुझे प्यार से समझा रहा हूँ। हाथ हटा के दूर से बात करो। दूर से? हाँ। दूर से बात नहीं होती तो फिर मेरी, तो फिर रहने दो, मत करो। तो फिर ऐसा कर लल्ली, हमारे मकान को खाली कर तू। खाली और क्या, यहाँ क्या मैं किराए पर रह रही हूँ? यूँ ही समझ ले, नाम तो मेरे है ना, अभी तो तू किराए पे ही है। या तो न्यारी हो जा, या फिर मान ले मेरी बात। हटो, तुम्हारी बात मानूंगी मैं। बात नहीं मानेगी? मेरा आदमी ना, जो मैं तुम्हारी बात मानूंगी। तो फिर कोई बात नहीं, जा तो तू मेरी एक आध बात मानेगी, नहीं तो इस मकान को भैया खाली कर दे, मैं तुझे इस घर में नहीं रख पाऊंगा। न्यारी हो जा आज ही मेरे से, ठीक है? हाँ? कर दो, मुझे मेरा हिस्सा दो। काहे का हिस्सा? मेरा आदमी का हिस्सा। जब तक मन नहीं जाऊंगा एक चमन्नी नहीं दूंगा किसी को, किसी का अगर दम हो तो मुझसे ले जाके दिखता है। कब मरोगे? कब, जब मरूंगा, जब मरूंगा, पर अभी कुछ नहीं दूंगा मैं किसी को भी। जब तक जिंदा हूँ ऐसी कुंटी मार के बैठा रहूंगा अजगर की तरह। ठीक है तो न्यारा करो मुझे मेरे। हो गई न्यारी, उठा चूल्हा यहाँ से, निकल ले घेर पे। चूल्हा और क्या, सड़ गया तुम्हारा? सड़ गया, ऐसी बात है तो ठीक है। मैं जब तक फोन आ रहे हो मैं वैसे रह लूंगी। कैसे? वैसे ही एक चूल्हे पे ही रह लूंगी। हाँ तो चूल्हे पे रह ले जा, और घेर पे रह लूंगी। घेर पे रह, एक मुझे कम से कम वो सामान सट्टा तो दो। काय का सामान सट्टा, एक बोरी नाच की ले जा यहाँ से, और 20-20 ग्राम 50-50 ग्राम मसाले ले जा। मुझे लग रहा है घेर पे जाकर तुम रहो, मैं रहूंगी यहाँ। काय को रहेगी, नाम मेरे है मकान ये अभी। तो जो मुझे मेरे दहेज में मिला, मेरे दहेज में मिला था वो मुझे। तेरा दहेज? काय का दहेज? अरे आदमी ने बढ़, तू बढ़ रही है दहेज को, फ्रिज तू बढ़ रही है, कूलर तू बढ़ रही है, टीवी तू बढ़ रही है। तो जो मेरे बाप ने, अभी नहीं दूंगा जब तक लौंडा ना आ जाएगा यहाँ, कुछ नहीं दूंगा। मैं क्यों बुलाने लग गया? तू बुला तेरा आदमी फोन करके। तू कह रही थी ना मेरा आदमी, मेरा आदमी, मेरा आदमी। क्या है ना, अभी उन्हें छुट्टी नहीं मिली है। उसे नहीं मिलेगी छुट्टी, उसे नहीं मिलेगी छुट्टी। मैंने बेवकूफ थोड़ी हूँ, तो भाई भेज रखा है वो काम पे, इसीलिए तो भाई नहीं भेजा वो मैंने। बड़े खराब आदमी है तुम। हाँ वो तो हूँ, तुमसे ज्यादा घटिया आदमी ना देखा मैंने अपने बाप को। जब मेरे बाप ने जब सार रिश्ता देखा, बहुत अच्छे आदमी है और क्या, बढ़िया है। हाँ गिरे हुए घटिया आदमी हो तुम तो, और क्या। ठीक है मैं जा रही हूँ, तो निकलना। अगर मेरी तरफ सकल भी कर दी ना तो बता रही हूँ। सोच ले, सोच ले, अभी भी बल्ले बल्ले हो जाएगी तेरी। अरे भाभी कहाँ जा रही है? मैं घेर पर आ करूंगी अब। घेर पे? हाँ घेर पे। मतलब कैसे घेर पे? ऐसे क्योंकि तेरे तुम्हारे पिताजी ने मुझे न्यारा कर दिया है। तो रोटी कैसे खाऊंगा फिर मैं? कैसे खाऊंगा? हाँ, मुझे पता, मैं रोटी लेने भेजे वो अभी घर पे। मुझे ना पता, उनकी आदत है नाचले, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया, जो कह दिया अब जाके न्यारी रह जाके। मतलब ठीक है ना, अब जैसे तुम घर में, अब मेरी बहू तो है ना यहाँ, तो जाकर उनसे बात करो, उनसे पूछो। ये सवाल मुझसे पूछ रहे हो, कुछ सवाल तुम उनसे पूछो। रोटी करने वाला है कौन? तो तुम उनसे पूछो ना, मुझसे क्या पूछ रहे हो? मैं आती तो मैं तो तुम्हें बना बना खिला रही सबको। चलो ठीक है, तो जाओ मैं बात करूं उनसे, पूछूं इनसे क्या बात है गई। अरे पिताजी, पिताजी। अरे क्या बात है गई, भाभी कहीं है?
अरे मैं वहीं जा रहा हूँ, अगर तुम्हारा इंतजार करते करते रहो मैं क्यों इंतजार कर रहा था तुम्हारा? तुम तो मैं खाई गई खाने की गई। हाँ तो मैं नहीं आ रहा था तेरी रोटी वैसे। और जो बताओ भाभी कैसे गुस्सा होते हुए गई है? अरे लल्ला तुझे क्या बताऊँ भाभी क्यों गुस्सा होते गई है? गुस्सा हो गए वो नहीं गई, वो तो मुझे आज पता पड़ गई। अंदर ही अंदर पता नहीं क्या राजनीति मिला के दोनों मियाँ बीवी बात कर रही फोन पे। मैं आया निकल के, मैंने ओटक लगा के कान लगा के बात सुनी। बात सुनी तो यूँ कह रहे कि धीरे धीरे जेवर हड़प लो, हर जेवर हड़पने की जमीन हड़पनी, तेरा भी हिस्सा मार। मेहनत कर रहे हैं हम। हाँ तेरा भी हिस्सा मारने की कोशिश में है वो तो। अच्छा? तू भाभी भाभी करता रहता है ना, वो भाभी किसी मतलब की नहीं है, वो भाभी तो हम दोनों की चिता सजाने के चक्कर में। जाहिर है तुमने न्यारी करी है वो। मैंने भगा दी इसीलिए। मेहनत कर रहे हैं हम। बताओ कल को अगर हम तो सड़क पे आ जाएंगे, है नहीं लाला? जी बात तो सही है। तू एक काम कर बेटा, अब रोटियों की हो जाएगी थोड़ी सी परेशानी, तो तू ऐसा कर, सुन एक काम है, ये ले देख 500 रुपए, ठीक है? और ये लट्ठे लट्ठे रख दे और ढंग से कपड़े पहन के, और तू बहू को बुला ला बेटा। चलो ठीक है, तो फिर तू अपनी बहू को, पहले तो तू रोटी खा, मठा पी, तेरे मठा चलवा दिया मैंने 2 किलो, मठा पी रोटी खा, और रोटी खा के तू बहू को बुला ला, क्योंकि अब देख रोटी रहेगा वो कर तो लग रही है, रोटी कंधारी आ जाएगी, तो ये है कि हम दोनों बाप बेटाओं को भटकने नहीं पड़ेगा, नहीं तो मुझ पे तो बनती नहीं है, तुझे ही बनानी पड़ेगी। ठीक है तो बाबू निकल जाइयो अभी, रोटी खाने लगाया है तू उसको, आगे चल रहा है। ठीक है भट्टा चरण सिंह के में डाला ना। ठीक है तो मैंने बाहर तक आ रहा हूँ अभी है घंटे भर में। ये तो वही घर है जो कुछ दिन पहले मैं पैसे देके गया था, मनी ऑर्डर। अच्छा दोबारा आया। अरे घुंघरू प्रसाद जी हैं क्या? घुंघरू प्रसाद? अच्छा क्यों आए हो? राम राम। क्यों आए हो? वो ऐसा है, मनी ऑर्डर आया है। किसके नाम से? वो आपकी बहू है ना, आपके बेटे बाहर जो रहते हैं, उन्होंने मनी ऑर्डर भेजा है। क्या हुआ? तुम लेट हो गए। लेट हो गया? हाँ। नहीं क्या हुआ, तुम्हारी बहू कहाँ है? बहू कल कल शाम को ही तो मरी है। मर गई? हाँ। 4 बजे पतंग उड़ाने भेजा था छत पे, मैं कह रहा था तुम मत उड़ाया कर पतंग, उस दिन भी छत पे चढ़ने की मना करी, मैं तुमसे बच्चे की तरह रखता था घर में, मैंने कई नाजों से पाली, बहुत हिसाब से पाली, और चलो छत पे पतंग उड़ा रही, खींच मारी, खींच मारते मारते सर छत पे से गिर गई, 2 बच्चे और मर गए उसके संग से नीचे दबके। मतलब खुद तो मरी मरी, 2 बच्चों को लेके और मरी? अरे भैया मेरे नाम रिपोर्ट होती होती बची। अरे 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 हिम्मत मत हारो, हिम्मत मत हारो। देखो देखो बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, ऐसी बहुत तुम्हें जन्म जिंदगी में कभी मिली चाहिए नहीं है? हाँ। ये कैसी बात है? बात ऐसी है डाकिया साहब, वो बहू वैसे सकल में सुंदर, बहुत शरीर में गुणवान थी, गुणवान बुद्धि से नहीं थी, ये समझ लो जो काम की मना करता था वही काम करने जाती थी। मैंने कही थी एक दिन इस भैंस को मत काट, भैंस को मत काट, ये लात मारती है। भैंस के नीचे से गोबर समेट रही थी, पैर रख दिया भैंस ने हाथ पे। अच्छा? हाँ, इतनी मोटी मोटी ढोल सी उंगली हो गई। फिर क्या कहते 2 दिन बाद आई, हो गई पापा मेरी उंगली सूज गई है, मेरे पट्टी करवा दो। मैंने गर्म पट्टी करवा दी तो सुनो भैंस के पैर तोड़ दिए चारों ने, बदला ले लिया भैंस से। अच्छा? मेरी भैंस लात गई इसी चक्कर में। लात ला, पैसे दे दो मुझे। अब नहीं मिलेगा। क्यों? अब नहीं मिलेगा, क्योंकि देखो जिस इंसान के लिए वो मनी ऑर्डर भेजा था, वो इंसान तो जिंदा है नहीं। हाँ। वो इंसान तो गए स्वर्गवास। हाँ। तो इसलिए जिसके लिए वो मनी ऑर्डर आया है, अब वो किसी एयर घर वाले को किसी को नहीं। तो मरी मराई को क्या, भूत को लेके आऊं उसके को? अब वो आपकी वो है। लेकिन सुनो, अब ये दोबारा मुझे मनी ऑर्डर देना पड़ेगा, 13 पे पंडित लिख गए और 13 पे 13 पंडित लिख दिया, मुझे 13 ही करनी है, तुम मुझे पैसे दे। तुम तो मुखिया हो, तुम पे तो पैसा होना चाहिए। पैसा तो बधेरा है, तो ऐसे थोड़ी है कि अपना छोड़ दूंगा किसी पे। 13 भी नहीं कर पाऊंगा, 13 भी नहीं कर पाऊंगा। भागना मत, भागना मत। देखो ऐसा है, मेरी बात तो समझो, ऐसा है तुम्हें डाकघर आना पड़ेगा। ठीक है, डाकघर आओगे, एक फोटो लेके आना, पासपोर्ट साइज। अरे बहू का? अच्छा बहू का। ठीक है, शांति देवी का। ठीक है, है ना? तो जो है एक फोटो लेके आना पड़ेगा। हाँ। और मृत्यु सर्टिफिकेट लेकर के आना। वो क्या होता है? वो मृत्यु का प्रमाण होता है। देगा? हाँ। वो जनसेवा केंद्र वाले देते हैं। जनसेवा केंद्र लगाना क्या क्या पड़ेगा? शमशान से लिखा आता है वो। अच्छा। हाँ, शमशान में लगाने जाते हैं। कोई तुम्हारे घर में मर गया था? सी बात नहीं, तुमने बनवाया होगा ना? हाँ, हमारी अम्मा थी। अच्छा। हाँ, वो खत्म हो गई थी। अच्छा। हाँ, श्रीमती कटोरी देवी जी। कटोरी देवी। हाँ, चलिए। हाँ। बताओ कितने रुपए आए? हाँ। 10,000 रुपए। ऐसा करो, सुनो मेरी बात। हाँ। 9,000 तुम मुझे दे जाओ, 1,000 में तुम मृत्यु सर्टिफिकेट बनवा के जमा कर दो। सुनो मेरी बात, सुनो, मैं फोटो दे रहा हूँ, आधार कार्ड दे रहा हूँ, पैन कार्ड दे रहा हूँ, अंदर आओ। अंदर तो आओ। मैं अंदर अंदर तो आओ। बात समझाओ, मेरी बात समझाओ, अंदर क्यों ले जा रहे हो? खाना खा की बात क्यों कर रहे हो? तो फिर 9,000 रुपए मुझे दे जाओ। मेरे पास पैसे है ही नहीं अभी। तो भाई मैं तो दस्तखत कराने के लिए आया था उनसे,
अब लेकिन ये है कि तुम जब आओगे डाकघर में ये सब जो कागजात मैंने बताए ये जमा करने पड़े, उसके बाद दो मिनट रुकोगे? ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ तुम ऐसी प्यार सी दे जाओ, ठीक है, तो मैं फोटो लेके आता हूँ, दो मिनट रुकना है। फोटो लेके आओ और मृत्यु सर्टिफिकेट भी। बिल्कुल हाँ, फोटो हाथ में दूँ काहे में? हाँ हाँ, अरे हाथ में ही देते फोटो के, मुंह में दोगे मेरे? हंसी कैसे आ गई तुम्हें? नहीं हंसी नहीं। पैसे दो, पैसे दो। पैसे? हाँ पैसे नहीं है मेरे पास, पैसे नहीं है। झूठ नहीं बोल रहे, नंगा झोरी दो। नंगा झोरी? हाँ। ये क्या कर रहे हो? अरे मेरे अंदर का हाथ डाल रहे हो? जाओ दफा करो, अपने आपको साइन चाहिए दस्तखत। हाँ। वो मैं तो शांति देवी जी के लेने आया था। शांति देवी के नाम से कर देता हूँ, दस्तखत चाहिए शांति देवी के? हाँ हाँ, शांति देवी ला मैं करूँ? अरे भाई तुम क्यों करोगे, शांति देवी जी करेंगी दस्तखत। शांति देवी तो मर गई। शांति देवी जी को बुला के लाओ दूर हाथ करके। हाँ शांति देवी तो मर गई है, बताओ दस्तखत तो मैं ऊपर भेजूँ फिर तुम्हें भी ऊपर करा लेना। ऐसे तो फिर जाओ यहाँ से, ऐसे मेरी नौकरी चली जाएगी। जा रहे हो कि नहीं? ठीक है जा रहा हूँ। नौ गोली है इसमें भगवान उनकी आत्मा, तुम्हारे शरीर में जितने छेद हैं उससे एक फालतू करूंगा, आठ होते हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति, उसे तो मिल गई, तुम्हें शांति ना दे दूं मैं। जाओ मेरा बीपी हाई हो रहा है, बहू मर गई है, तेरे ही गलती है। जाओ 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 जाओ। कैसा आदमी है ये? अरे डाकी साहब कहाँ है वो, कैसे रोते हुए? अरे कहाँ बात है? अरे रो मत, कोई परेशानी होगी बताओ, क्या परेशानी है फिर रो रही हो? भाई ये समझ लो, अच्छे इंसानों की जगह नहीं है यह संसार में, भगवान बहुत जल्दी ले लेता है। तुम्हारा कहने वाला समझो ना, मैं इतनी हुष्ट पुष्ट थी लगता था बदले किस घर से है, और दूध पीती होंगी, मलाई मारती होंगी, रबड़ी खाती होंगी। तो बता दो कौन की कह रही हो? तुम्हारी प्यारी भाभी श्रीमती। मेरी प्यारी भाभी श्रीमती शांति देवी। उनको कहा है वो? हाँ तुम्हें नहीं पता? कहाँ ना बताओ, कितने भोले बन रहे हो। मैं जानता हूँ तुम्हें सदमा लगा, तुम नहीं बोलना चाह रहे। अरे मतलब कह बोलना चाह रहे ये तो बता दो पहले। कितने भोले हो बेटा, कितने कितने भोले हो तुम? डाके साहब कैसे परेशान हो, कोई बात है तो बताओ तो सही, मतलब बात कोई बात है साहब बताओ पहले तो। तुम्हें पता नहीं है ना है? इसे कहते हैं कि गम को देख करके मुस्कुराना है। बताओ घर में मृत्यु हो गई? बात है आनंद बताओ पहले तो। आराम से क्या बताएं, बताओ तुम्हारी कोई कागज भागा जाएगा घर के? हाँ आया तो मैं कागज लेकर के ही था। हाँ तुम्हारी तुम्हारे भाई है ना बड़े? हाँ हाँ। उन्होंने पैसे भेजे थे कुछ तुम्हारी भाभी के लिए। अच्छा तो क्या हुआ? तुम्हारे पिताजी मिले। हाँ उन्होंने बताया कुछ ऐसा कि तुम्हारी भाभी का स्वर्गवास हो गया है। ए, दिमाग सही है तुम्हारा, मुझे तो ऐसा लग रहा है। नहीं और कोई घर के कागज तो ना आए? मैं जानता हूँ कि तुम नहीं बता पाओगे मुझे। अरे भाभी आएगा मेरे घेर पे। हाँ वहाँ पे कमरा है का है ऐसा, हमारे पिताजी ने, मैं तुम्हें बताऊँ, हमारे पिताजी ने जो है ना कोई बात आई होगी तो उनने कहा वो निहारे साजी है, भाभी से मिलना वो घेर पे है। ठीक है, अरे उनने तो मुझसे पैसे छुड़ा लिए। अरे पैसा छुड़ा लेते मैं क्या करूँ, वो तुम जाना तुम्हारा काम जाना है। हमारे पिताजी ऐसे हैं तुम्हें पता है, बचपन से वो है, मैं तो बचपन से देखते भाई आ रहा हूँ, कभी काहीं ना काहीं को टोपी पहनाते रहते हैं वो तो। अच्छा हाँ तो ये सब ढोंग धतूरा कर रहे थे? हाँ घेर पे आराम से देख के आओ और बात कर जाओ। हाँ अरे तुम पहले क्यों ना मिले मेरे को? अरे तुम पहले क्यों नहीं मिले मुझे, हटो बता क्या आदमी है। अरे लल्ला तू आ गया? हाँ मैं तेरा इंतजार कर रहा था बहुत देर से। इंतजार? हाँ इसलिए तू बहू को बुला ला बेटा। बहू को? हाँ मैं तो कह रहा हूँ कल साल में बुला ला। ना 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 तू बहू को बुला ला, ऐसा है मैं निकलूंगा क्या कहते हैं कल वृंदावन को। अच्छा 84 को उसको परिक्रमा है, पैदल की परिक्रमा लगाऊंगा, 2 महीने में या 6 महीने में लगेंगी मेरी परिक्रमा पे जा रही हो? हाँ तू ऐसा कर आज ही बहू को लिया, मैं तुझे थैला देता हूँ। हाँ थैला लिया तो जाओ बुला ही लाऊंगा हाथ के हाथ। ये ले इसमें 250 ग्राम गजा के। हाँ और जाके उन्हें दे दियो और क्या कहते हैं बहू को देख आराम से लेके आई, आराम से लेके आऊंगा, तकलीफ ना होनी चाहिए। पैसे मैंने 500 रुपए तुझे दे दिए। ठीक है ध्यान से जाइयो, हलंगाबाद में बैठा लाऊंगा आराम से, ट्री में बैठा के जाइयो खूब आराम से। और पैसे की जरूरत है? पैसा की 500 रुपए बहुत है, 100 रुपए किराए में लगेंगे भाई। जा तो जा, तो गजक तो हमें तुमने ला रख दी है, मैंने मिठाई ना लेनी पड़ेगी। ठीक है ठीक है ठीक है आराम से जाइयो। ठीक है बताओ उसने मुझे इतना फ्रॉड बनाया, मुझे बेवकूफ बनाया। अभी रुको, शांति देवी,
श्रीमती शांति देवी। हाँ अच्छा शांति देवी जी बोलिए। हैं गाल पकड़ रहे हो हा? और कुछ मत पकड़ो बस और कुछ मत पकड़ो। हाँ तुम शांति देवी हो? हाँ असलियत में हो ना? अरे असली में ही हूँ। जिंदा हो ना? हैं नहीं जिंदा हो? जिंदा हो? हाँ मेरी समझ में नहीं आ रहा कुछ। तुम जिंदी हो मरी तो नहीं हो ना? अरे मैं क्या को मरूं? मरे तो मैं तुम मरे मेरे दुश्मन। अरे मैं इस बात से नहीं हैरान हूँ, इस बात से हैरान हूँ कि तुम्हारे पति ने पैसे भेजे। हाँ वो तो हर महीने भेजते हर महीने। इस महीने भी पैसे भेजे 10,000 रुपए। हुआ ये कि मैं गया तुम्हारे उस वाले घर पे जहाँ तुम पहले मुझसे मिली थी। ठीक है वहाँ तुम्हारे मिले पिताजी। पिताजी ने तुम्हारे पिताजी ने ऐसा ढोंग धतूरा किया कि पिताजी आए रोते रोते बाहर। उन्होंने कहा कि बहू तो मर गई। मर गई? स्वर्गवास। क्या? जी हाँ और मुझे भी रुला दिया उन्होंने। तुम भी रो गए? उनका कहना यह था कि तुम पतंग उड़ाते उड़ाते मरी थी और संग में दो बच्चों को लेके और मरी। जैसे हाँ उनका कहना था तुम दो बच्चों को लेके मरी। दो बच्चों को ले और मैं पतंग उड़ाती कहूँ? मैं बहू होके छत्तों पे पतंग उड़ाऊंगी। सुनो तो सही उनका कहना यह था कि तुम में बच्चा बुद्धि है जब से ही तो तुम पतंग उड़ा रही थी। पतंग उड़ाते उड़ाते पीछे खेच मारती मारती आई। हुआ ये तुम पीछे गिरी धम। हाँ। और दो बच्चे दबके मर गए तुम्हारे नीचे। अरे कोई बच्चे बच्चे नहीं मरे, सब बेवकूफ बनाने वाले नहीं मरे। इसका मतलब बुड्ढे ने मुझे जिंदे पे ही मार दिया। और तो और मुझे जो है बंदूक दिखा करके मुझसे पैसे हड़प लिए और तुम्हारे नाम के सिग्नेचर कर दिए उन्होंने। देखो बंदूक से पैसे ले लिए। ये जबरदस्ती यही तो तरीका अपनाना चाह रहा था कि मैं हो गई नहीं आ रही, अब वो मुझे मरा घोषित कर देगा और मेरे आदमी के पैसे खुद लेगा। ला मेरे आदमी के पैसे दो। अरे पैसे मैं कहां से दूं? पैसे दो मुझे क्या पता तुम्हारी ड्यूटी है। देखिए देखिए मैं मृत्यु सर्टिफिकेट बनवाया तुमने? मृत्यु सर्टिफिकेट वो यूं कह रहे थे मैं दे जाऊंगा मृत्यु सर्टिफिकेट। अभी चलो मेरे साथ, मुझे पैसे चाहिए अपने 10,000 रुपए, वरना मैं तुम्हारे खिलाफ FIR ठोक के आऊंगी। ये तो आपका जायका मामला है। जायका मामला नहीं है, अब ये मामला डाकियों तक पहुंच गया। चलो वरना FIR ऐसी ठोकूंगी। आप चलो जल्दी आओ। बहुत खतरनाक व्यक्ति आ जाओ। अरे पिताजी पिताजी ले आया? हाँ ले आओ। मैं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया। नमस्ते बेटा नमस्ते। आने में कोई तकलीफ परेशानी? ना ना है। जाने में रास्ता तो नहीं भूला? ना है, ना है। और बेटा आराम से तो लाया ना ये? हाँ। चिंता अगर इसने कोई परेशानी दी हो तो मुझे बता, इसके कान खींचूंगा। ना 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 अब देख सुन। हाँ। देख मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस ये है कि दो समय की रोटी मिल जाए और आराम से चैन की नींद सो जाऊं। अब तू आ गई, अब तेरा ही घर है, तू संभालेगी इसको आराम से खूब भरपूर उससे हिसाब से और हमें भी अच्छा लगेगा। और तू ज़्यादा क्या कहते हैं समझ रहा है ना? हाँ खेत पे ज़्यादा ध्यान रखियो। हाँ काम कर, अंदर थैला रख के आ, थक गया होगा। जा मैं बहू से बात कर लूँ। लल्ली आराम से रहियो, किसी बात की कोई चिंता परेशानी यो मत समझियो कि तू अपने आदमी से कहियो मत कहियो, लेकिन मुझे ज़रूर बताइयो। मैं हर चीज़ को ला के रखूँगा इस घर में, हर चीज़ की परेशानी दूर करूँगा, बस तू चिंता फ्री रहे। और देख ध्यान से रहियो है, कोई परेशानी लेने की कोई परेशानी ना आएगी। तू इधर आ जा बेटा। दीदी नमस्ते। हाँ बता ठीक है तू? हाँ ये तो सही है, तू बता अपनी, तू ठीक है कि ना? मैं तो मर गई। हाँ मर गई तो मर गई, हमारे लिए तो मर गई। चुप रहो, बकवास बंद करो। बकवास नहीं कर रहे, बकवास तू कर रही है। अच्छा हाँ अब तुमसे तो शर्म ही क्या करूँ। हाँ मत करे। तूने तो पहले ही उतार के फेंक दिया, हम ही मुँह ढक लेते हैं अपना। अरे रहन दो। हाँ तुम मत ढको मुँह। ना हमें ढकना पड़ेगा भाई, इज्जत है इस काम में भैया। रहन दो, तेरी कहा तो गए हमारी भी नहीं है। रहन दो, तुमने आग लगाई है ना जाके? पैसे दे दो ना मेरे भाई के। पैसे पैसे कोई पैसे नहीं है। क्या बात हो गई दीदी? अरे मैं बताऊँ इनकी कर्म। झूठ बोलते हैं झूठ। झूठ बोलते हैं। सुनो मैंने जब जो है इनकी बात ना मानी, इनकी मासूका बन जाऊँ, इनकी गर्लफ्रेंड बन जाऊँ, लगाने पे आ गई, मैं लुगाई बन जाऊँ। अभी अभी बुला रहा हूँ, बताऊंगी। अरे लल्ला हाँ बुला लो। हाँ अभी बुला रहा हूँ, देख। हाँ अभी बुला रहा हूँ, रुक बुला लो। ऐसे क्या बात हुई? मैं बताऊंगी तुझे। बताएगी क्या? अरे काहे लल्ला ये बता, ये बता कि गलती किसकी थी? तू बेटा आराम से खड़े हो जाओ, तू इधर आ मेरे पास। देख एक बात बता मुझे साफ साफ, गलती किसकी थी? हाँ। बता किसकी कमी है बेटा? मैं तुम्हें बताऊं पिताजी, सबसे बड़ी कमी तो तुम में। ठीक है बिल्कुल। हाँ। हम में? हाँ तुम में। मतलब हमारा खून होगा, हम पे घुरा रहा है। सुनो मेरी बात, हमारी बिल्ली तुम आज तो हमारी भी ना। सुनो मेरी बात, तुम ऐसे ना होते ना तो भाभी घर से भागती ना। गुंडे हम छिनरियाई करते जब से आई मेरे साथ। तुम्हारी आग लगाई हुई है इस घर में। ड्रामा क्या रचा?
वहाँ बताओ कि मेरे पहले मुझसे कहने लगे मेरी बात मान ले, मेरे लिए सिंगार का सामान लाते रहे, मेरे साथ कमरे में चल, तेरा पति ना रहता है काम में। ऐसी ना पता ही नहीं, तुम बहुत छोड़ के भी नहीं आते इनके पास। अरे मैं किसी चुल्लू पर पा रहे अपने ऊपर खड़े हुए। सुन लो अरे तुम यही सुनोगे कि मेरे साथ कमरे में चल, संबंध बना। हाँ ना कि ना तो अब मैं और क्या करूँ, बच्चे भी पैदा कर ले। अब ले चला जाना, अब चुप रहो भाभी, बच्चे भी पैदा कर ले। अपनी बहू को जो लेके आया ना बहुत गलत ले गया। तो जे ऐसी ऐसी बात ना होती ना, देखो जी मेरी बात सुन लो, मैं तो इन बुड्ढे के संग नहीं रहूंगी, मैं दीदी के पास रहूंगी। तुम अच्छा काम करवा रहे हो। सही बात, सही बात। अब तेरे तूने मेरा जीवन हराम कर दिया, भगवान करे तुझे मौत भी ना आए। अरे इधर शांत खड़े जाओ, सुनो मेरी बात, आनंद खड़े जाओ, ठीक है? ये जरा कर्म तुम्हारे सुनो मेरी बात, भाभी जा घर में, या तो जी रहेंगे या फिर हम ही रहेंगे। एक काम करो, जा घर में तो तुम बाहर जाओ, तुम्हारी रोटी टाइम के टाइम मैं ही पहुँचाऊंगा मैं। हाँ तुम्हारे जाओ, तुम इधर आओ भाभी, चलो अंदर। सत्यानाश होगा तेरा डाकिया। पैसे दे के पैसा का पैसा। अरे तुम्हारे भैया ने भिजवाए। अच्छा अब मुझे अकेले रहना है। अरे पैसा दे दो पहले इनके, ठीक है? बंद करवा, जाओ दस्तखत करो, जाओ तुम जाओ दस्तखत करो। भाव बुखार मत देना। हाँ सही है, तुम्हारा काम है जो तुम लिख रहो फटाफट, ठीक है? नमस्ते डाकिया जी। राम राम। देखा जे इन्हीं के कर्म है ये सगरे। मोना पता है कैसे ये बुढ़ा आया तो मैं यहाँ नहीं रहूंगी। तू क्यों परेशान हो रही है? मैं हूँ आनंद, तुम दोनों रहोगे, ठीक है? दोनों ने मिलवाट के काम कर ले करो। मैं अपने खेतन के काम है देखूंगा। तुझे बाहर जाने की जरूरत ही ना, तू घर में आराम से मस्त रहे। और इनकी भाभी दो वक्त की रोटी पैक कर देख रही है, मैं दिया करूंगा घेर पे। सही है, बात खत्म। सही है, ठीक है? जाओ अंदर जाओ।